हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा जेसीडी टाइपिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं हिंदी की फोर्थ रो की प्रैक्टिस की। हमने होम रो सीधी कर ली थी, होम रो शिफ्ट के साथ कर ली थी, उसके बाद अपर रो की थी। अब हम अपर रो शिफ्ट के साथ करेंगे। हम लोअर रो भी कर सकते हैं पहले, लेकिन मैं अपर रो आपको बता रहा हूँ एक बार के लिए, तो आप अपर रो देख लीजिएगा। देखिए कैसी शुरुआत की थी हमने। हमने कहा था कि आपको हाथ यहाँ टच ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए जैसे हमने शुरुआत किया लिखना, मैं एक बार हिंदी फॉन्ट कर लेता हूँ इसके अंदर और थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट नज़र आ जाए। देखिए हमने ये रो की प्रैक्टिस की थी, उसके बाद में हमने क्या किया, इसको शिफ्ट के साथ यूज़ करना सीखा था। अब देखिए शे रू आधा शे गे और शे। अब उसके बाद में हमने अपर रो की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। अपर रो कैसे बताया था मैंने कि ऊपर इनसे दो कीज लेनी है आपको, फिर मैं ते जे और ले, उसके बाद इधर से आपको दो कीज लेनी थी, कोमा खे चे वे और पे और ने। अब देखिए इस लाइन को मैं आपको शिफ्ट के साथ बता रहा हूँ कि क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके इसमें से। देखिए शिफ्ट के साथ मैंने शुरू किया तो क्या आया फे, पहले क्या आता था इसकी जगह ऊ की मात्रा, फिर इस ऊ की मात्रा इसमें क्या आया अर्धचंद्र बिंदु, आगे मैं आधा ते आधा जे आधा ले आधा, बाकी सारे के सारे चारों वर्ड क्या हो गए आपके आधे हो गए। अब देखिए इस कोमा की जगह क्या आ गया द्वय, द्वय कौन सा है ये द्वार शब्द वाला, ठीक है। खे की जगह क्या आया अक्षय क्षत्रिय वाला, ठीक है। आधा चे आधा वे आधा पे आधा न, इसमें सारे चारों वर्ड क्या हो गए आधे हो गए। मेन चेंजेस जो हैं वो कहाँ हैं, पहले शुरुआत के दो वर्ड इधर की तरफ, पहले शुरुआत के दो वर्ड इधर की तरफ, बाकी सारे क्या हो रहे हैं हाफ हो रहे हैं। तो आप इस वर्ड इस लाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार आप लिखना शुरू कीजिए, जब भी आपके याद हो जाए कि कौन सी उंगली पे कौन सा वर्ड आ रहा है उसके बाद आप वर्ड्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्ड्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। उसके बाद में हम लोअर रो और उसके साथ बची हुई प्रैक्टिस भी धीरे धीरे वीडियोज अपलोड करते रहेंगे। इंग्लिश की लर्निंग की प्रॉपर वीडियोज डाल चुका हूँ, उसके अंदर केवल कैपिटल वर्ड कैसे करते हैं उसकी वीडियो रही है, तो वो भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे। सूचना सहायक के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच स्टार्ट है। जल्द ही हम इग्नू का एग्जाम होने के बाद इग्नू का भी टाइपिंग बैच स्टार्ट करेंगे, तो आपको ज्वाइन करना हो ऑफलाइन बैच तो त्रिवेणी चौराहा जयपुर पर हमारा सेंटर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।